After that, we know how microbes infect us. When we came into contact with other human, animal, plant, insect, flies and many more, जब हम किसी भी चीज़, जानवर, इंसान या किसी इंसेक्ट से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो दीज मे बी इन्फेक्टेड विद द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड सो दे पुट अस द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड ऑफ डिजीज. क्या पता वो इन्फेक्टेड हो किसी हार्मफुल माइक्रोब से और जिसके थ्रू हमारी तरफ भी ये इन्फेक्शन पास हो जाए और ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाए, या पैथोजेंस फॉलो अ चेन ऑफ इवेंट दैट टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलर चेन. इन द प्रीवियस चैप्टर वी आल्सो डिस्कस व्हाट इज पैथोजेन. पैथोजेंस क्या होते हैं? व्हेन जर्म्स इंटर आवर बॉडी दे कॉज अस टू बिकम सिक, दिस कॉल्ड द पैथोजेन्स. सो हियर इज द चेन इन विच आर सिक्स वे थ्रू अ पैथोजेन्स कैन इंटर आवर बॉडी. सो नाउ वी हैव टू रीड द फर्स्ट वन. The first one is that the pathogenic microorganism. The process began with the existence of a certain disease causing microbes which we call pathogens. क्या होगा इसमें कि कोई भी ऐसा microorganism है जो कि pathogens है, इट्स मीन कि वो हमारे लिए harmful है, वो सबसे पहले इस process में पाया जाएगा. After that क्या होगा? रिजर्वर. रिजर्वर का मतलब क्या है? द इन्वायरमेंट वेयर द पैथोजेंस कैन सर्वाइव. वो जगह या वो खास ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो हार्मफुल पैथोजेंस या ऑर्गेनिज्म मौजूद है, उसको हम क्या कहेंगे? रिजर्वर. फॉर एग्जांपल, आर रिजर्वर इंक्लूड वाटर, सॉइल एंड मैनी बी बिकम ऑफ बी मे बी समवन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड. अब उसने बताया कि रिजर्वर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. कोई जगह हो सकती है, पानी हो सकता है और मे बी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है. द थर्ड वन इज़ दैट मीन ऑफ एस्केप. इसमें क्या होगा? इफ़ वी आर द रिजर्वर, अगर हम रिजर्वर हैं, द पैथोजेंस कैन बी एस्केप व्हेन वी केव और स्नेक. तो ये जो पैथोजेंस हैं वो कैसे मूव करेगा? जब हम खांसी करेंगे या छींक, तो ये जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है. और द फोर्थ वन इज दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ट्रांसफर करना. व्हेन द रिजर्वर केम टू द होस्ट. होस्ट का मतलब है द ऑर्गन ऑन विच द इट रिप्रोड्यूस, जहाँ पे वो ग्रो करता है. इट्स मीन कि व्हेन हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, व्हेन pathogens can grow in our body, we become host. If a water is a reservoir of our germs, it's made up of transmission will be our drinking water supply. अगर तो कोई पानी है वो reservoir है, it's mean कि उस पानी में germs हैं और वो हमने drink कर लिया है और वो हमारी body में transfer हो गए. And the fifth one is that the link chain is the means of entry. अब वो कैसे हमारी बॉडी में इंटर होगा? अ पैथोजन मस्ट बी फाइंड अ वे टू इनसाइड द होस्ट टू कॉज इन्फेक्शन. वो सबसे पहले हमारे बॉडी में एक वे बनाएगा कि वो किस तरह से हमें इन्फेक्ट कर सकता है और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है. एंड द लास्ट वन इज दैट द फाइनल लिंक इन द चेन इज अ हाउ वल्नरेबल द होस्ट इज द इन्फेक्टेड, कि वो किस हद तक हमें बीमार कर सकता है. So these are the six main chains how microbes infect us. Hope you understand well. So you have to read this page number 26 and 7 carefully.